निठारी कांड में दोषी सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर की सजा हुई रद्द। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज हॉकर्स। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड में दोषी सुरेंद्र कोहली की 12 मामलों में और मनिंदर सिंह पंढेर की 2 मामलों में फांसी की सजा रद्द कर दी है। कोर्ट ने इन केसों में सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह दोनों को निर्दोष करार दिया है। दरअसल निठारी कांड में सीबीआई ने 16 मामले दर्ज किए थे। इनमें से सुरेंद्र कोहली को 14 मामलों में फांसी की सजा मिल चुकी है, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ 6 मामले दर्ज, इनमें से 3 मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई थी और 2 मामलों में वो पहले ही बरी हो गए थे। 2005 से 2006 में नोएडा में हुए निठारी केस में सीबीआई ने सुरेंद्र कोहली को हत्या, अपहरण, बलात्कार और सबूत मिटाने के केस में आरोपी बनाया था, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर को मानव तस्करी का भी आरोपी बनाया गया था। दोनों आरोपियों ने अपनी फांसी की सजा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। आरोपी कोर्ट में कहा था कि इन घटनाओं का कोई भी चश्मदीद मौजूद नहीं है, उन्हें सिर्फ वैज्ञानिक और परिस्थिति जन्य सबूत के आधार पर सजा सुनाई गई है। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस एसएचए रिजवी की बेंच ने दोनों को इन केसों में बरी कर दिया। अब आइए आगे जानते हैं कि क्या था ये निठारी कांड। 7 मई 2006 को निठारी की एक युवती को पंढेर ने नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था। इसके बाद युवती वापस घर नहीं लौटी। युवती के पिता ने नोएडा के सेक्टर 20 थाना में गुमशुदगी का एक केस दर्ज कराया। इसके बाद 29 दिसंबर 2006 को निठारी में मनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पीछे नाले में पुलिस को 19 बच्चों और महिलाओं का कंकाल मिला। पुलिस ने मनिंदर सिंह पंढेर, उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया। बाद में निठारी कांड से संबंधित सभी मामले सीबीआई को स्थानांतरित कर दिए गए थे। आइए अब आगे जानते हैं कि कोहली और पंढेर की आखिर पूरी कहानी थी क्या। सुरेंद्र कोहली उत्तराखंड के अल्मोड़ा के एक गांव का रहने वाला है और सन 2000 में वो दिल्ली आया था। दिल्ली में कोहली एक ब्रिगेडियर के घर पर खाना बनाने का काम करता था और उसके बाद फिर साल 2003 में पंढेर के संपर्क में सुरेंद्र कोहली आया। उनके कहने पर वो नोएडा सेक्टर 31 के D5 कोठी में काम करने लगा। साल 2004 में पंढेर का परिवार जब पंजाब चला गया, इसके बाद वो और कोहली कोठी में रहने लगे थे। पंढेर की कोठी में अक्सर कॉल गर्ल्स आया करती थी और इसी दौरान वो कोठी के गेट पर नजर रखता था। आरोप है कि वो कोठी से गुजरने वाले बच्चों को पकड़कर उनके साथ कुकर्म करता था और फिर उनकी हत्या कर देता था। हालांकि निठारी गांव के लोगों का कहना है कि पंढेर की कोठी से शरीर के अंगों का व्यापार होता था और साथ में ये भी कहना है कि बच्चों को मारकर उनके अंग निकाल लेते थे और उसे विदेशों में बेचा जाता था।